उस वक्त वालदैन को इम्पोर्टेंस कैसे देनी होती है, उनके साथ कैसे मिलके रहना होता है, उन्हें कैसे इस चीज़ का एहसास दिलाना होता है। पापा जी, आपने उस वक्त अपने पेट को पीछे रख के, अपनी जूतियों को पीछे रख के, अपनी पर्सनैलिटी को पीछे रख के हमारे लिए बहुत कुछ किया था। आपने हमारे लिए अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी। मीन्स के आपने, आप बताएं ना, आपने अपनी कौन सी ख्वाहिशात पूरी की? अगर आप चाहते मुझे इंजीनियर डॉक्टर ना बनाते, अगर आप चाहते मुझे एक न्यूज़ एंकर ना बनाते, अगर आप चाहते मुझे कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक प्राइम मिनिस्टर या कोई एमपी एमएनए या इसके लिए लड़ते ना, बल्कि आप अपने लिए ही करते रहते सब कुछ, लेकिन आपने अपनी जात को पीछे रख के हमारे लिए सब कुछ किया है, ये वालदे मोहतरम को बता सके हम, इतनी हिम्मत है। इसी तरह ही वो देखे ना, दरख्त जो था उसे पानी, स्प्रे, उसे धूप, सब कुछ लगा, उस कीड़े कई बार लग रहे हैं, उसे कीड़ों की स्प्रे की जा रही है, बीमारी लग रही है उसकी स्प्रे की जा रही है। हम जब जिंदगी में कुछ कर रहे हैं तो ये सारा कुछ है ना, लाइफ बेसिकली इंसान की टोटल जिंदगी, दुनियाई जिंदगी में क्या चीज़ें हैं, पैसा कमा रहा है वो या घर में ताल्लुकात बना रहा है, बस ये दो चीज़ें हैं, पैसा होगा, खाना पीना, यानी इन दो चीज़ों के अलावा इंसान इन दो चीज़ों में से घूम ही जा रहा है। जो अल्लाह वाले लोग हैं उनके पास तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उनके पास ये दो चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अब हमने इसी तरह हमने क्लैरिफाई करना है। टाइम लगता है हर चीज़ को, बातें कर रहे होते हैं लोग, कि बार गिरे बाँह से पकड़ गएंगे, चल जा, निकल जा, तो यहाँ से बैठ गया, तो भी तू है क्या चीज़ मेरे सामने, मेरा 50 साल का तजर्बा है, तू भी बच्चा है छोटा सा, लेकिन वहाँ दिल के अंदर हंसी देना और ये होंठों पे एक मुस्कुराहट लेके आना, आपका, आपकी उम्र 50 साल है, आपका तजर्बा भी 50 साल है, लेकिन मैंने जो 20 साल के अंदर सीखा ना, और 20 साल के अंदर जो कि मैं अभी 1-2 साल के अंदर और करके दिखा दूंगा ना, आप वो 50 साल की उम्र में नहीं कर सके। कब कहेंगे? जब अंदर एक पैशन होगा हमारे अंदर। जाके शेख आतिफ कहते हैं ना, बलाए खा जाओ, शेरों को खा जाओ, शेर बन जाओ। ये चीज़ें जब हमारे अंदर होंगी ना, ये जुनून होगा हमारे अंदर, फिर हम कर सकते हैं। 21 ईयर्स के अंदर सुल्तान ने मस्जिद अक्सा कैसे फतह की, उनका बड़ा एक रुतबा था। देखिए ना, ये थोड़ा सा टच देने का क्या मतलब है, हम अपने आप को भूले हुए हैं ना, हम उन लोगों के अंदर या उस सोसाइटी के अंदर या उस कमरे के अंदर है जो हमें खाई जा रहे हैं अंदर से, या खा नहीं रहा, हमें हौसला दे रहा है कि एक वक्त आएगा मैं इसे निकल जाऊंगा, हमें उससे बचना है, इसे निकलने से बचना है।